पीटीआई के 453 कैंडिडेट्स का डीवी हो गया, फाइनल रिजल्ट कब आएगा? अब यहां पर ना जो पीटीआई का रिजल्ट है, पीटीआई का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, तो पीटीआई वालों को कहना चाहूंगी भाई आपने खुद गलती कर रखी है उसमें। 70 लोगों ने ना अपने जो वो है ओएमआर शीट है उसमें अपना कोड ही नहीं भरा कि आपको पेपर कोड ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है। तो 70 अभ्यर्थियों के 0 अंक आए हैं, और ये मतलब सुन के वहां पे मुझे इतना अजीब लग रहा था कि भैया आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 10 साल पढ़ा चुके हैं और आपने कैसे पेपर कोड नहीं वहां पे लिखा है। और मैंने बल्कि सर को कहा कि 0 अंक है तो आप इनको क्या कहते हैं 0 अंक दे के आगे इनको दो, क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर दो, बाकियों को रिजल्ट दे दो आप, आपका जो भी सिस्टम दे रहा है। इसमें सर ने ये कहा कि श्वेता यदि हम 0 अंक दे देंगे ये अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में जाके अभ्यर्थी बोलेंगे कि हमें 0 अंक क्यों दिए हैं, फिर उसके बाद वो लंबी कार्यवाही खींचेगी, सब कुछ होगा, रिजल्ट रुकेगा, स्टे होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसीजर चला गया, रेवेन्यू क्लर्क वाला भी आगे सरक गया और रिजल्ट आगे सरक गया, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई का रिजल्ट अभी आना था और पीटीआई का रिजल्ट अब मैनुअली निकाला जा रहा है उन 70 अभ्यर्थियों की। तुक्के से चेक कर रहे हैं कि भाई ये ग्रुप इनका, इनके पास पेपर कोड ए था या बी था या सी था या डी था, उस हिसाब से उनके आंसर कॉपीज चेक होंगी, उस हिसाब से उनके मार्क्स लगाए जाएंगे, तब जाके इनका रिजल्ट आएगा, राइट। तो इनका रिजल्ट पहले आएगा, बाद में बाकी रिजल्ट्स आएंगे।